नमस्कार दोस्तों, जब कभी हम लोगों को टॉयलेट का निर्माण करवाना होता है तो हम लोगों से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका खामियाजा हम लोगों को ताउम्र भुगतना पड़ता है। तो इस तरह की गलतियां ना हो, जब कभी हम लोग टॉयलेट का निर्माण कराएं तो हमने ऐसी 10 बातें फाइंड की हैं जिनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 10 ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन टॉयलेट का निर्माण करवा पाएंगे जिसमें कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिनका हमको टॉयलेट निर्माण के समय ध्यान रखना है। नंबर 1 पे है दोस्तों टॉयलेट का साइज। दोस्तों अगर आप सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम बनवा रहे हैं तो आपको जो है टॉयलेट का साइज 4 फिट × 5 फिट रखना है और बाथरूम का साइज आपको 5 फिट × 5 फिट रखना है। ये साइज सेपरेट के लिए है। और दूसरी बात, ये साइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली मिनिमम साइज है, मतलब आपको बाथरूम इससे कम तो करना ही नहीं है। इससे ज़्यादा भले आप कर लें लेकिन आपको इससे कम का साइज नहीं करना है। इसी के साथ अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवा रहे हैं तो फिर ये साइज 5 फिट × 7 फिट कर सकते हैं। कहने का मतलब इससे कम का टॉयलेट का साइज आपको नहीं रखना, इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं अपने घर के स्पेस के अकॉर्डिंग। वैसे 1000 स्क्वायर फिट से लेकर 2000 स्क्वायर फिट तक के जो मकान बनते हैं उसका जो साइज़ रहता है बाथरूम का वो 5 फिट × 7 फिट का ही रहता है, एक अच्छा टॉयलेट बाथरूम बन जाता है। लेकिन अगर आप लग्जरी बाथरूम बनवा रहे हैं तो आप ये साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कम नहीं करना है आपको। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आपका जो टॉयलेट साइज़ है अटैच के लिए 5 फिट × 7 फिट ये मिनिमम साइज़ है। इससे आप बढ़वा लें अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पर आता है कि हम सेपरेट बाथरूम बनवाएं या कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बनवाएं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सेपरेट मतलब टॉयलेट बाथरूम अच्छा होता है या कंबाइंड। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना ये आपके परिवार के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपका परिवार बड़ा है तो वहाँ पर लोग जो है सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम बनवाते हैं। उसकी वजह यह है कि सेपरेट और कंबाइंड दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान भी। जैसे सेपरेट में क्या है, अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो वो चला जाएगा, जिसको बाथरूम जाना है वो बाथरूम चला जाएगा। लेकिन इसी जगह पर अगर कंबाइंड रहता है तो उसमें क्या, अगर एक व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा अगर बाथरूम भी जाना है तो वो नहीं जा पाएगा, उसको वॉशरूम भी जाना है तो भी नहीं जा पाएगा। मसलन फ़ायदा इसका ये है कि जो सेपरेट और कंबाइंड टॉयलेट है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दोनों लोग जा सकते हैं, एक बार में 2 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नुकसान इसका क्या है कि ये कॉस्टली पड़ता है, साथ ही साथ इसमें स्पेस ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड की, तो कंबाइंड टॉयलेट जो है स्पेस कम लेता है, ठीक है। इसके अलावा कंबाइंड टॉयलेट में खर्च भी कम आता है। और कंबाइंड टॉयलेट में बस दिक्कत सिर्फ एक ही है कि कंबाइंड टॉयलेट में एक साथ एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर पाए, एक साथ 2 लोग यहाँ नहीं जा पाते। तो ये आपको तय करना है आपकी अपनी फैमिली के हिसाब से। वैसे दोस्तों कोशिश करें कि घर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर इसका निर्माण करें। अगर जगह हो तो दोनों ही इसका आप दोनों ऑप्शन बनवा सकते हैं, मतलब एक कंबाइंड और सेपरेट भी होना चाहिए और एक जो है सेपरेट होना चाहिए। टॉयलेट को आपको 2 भागों में बांटना होता है, एक ड्राई जोन और एक वेट जोन। ड्राई जोन का मतलब ये कि टॉयलेट का वो हिस्सा जहाँ सूखा रहेगा, और वेट जोन मतलब जहाँ पर अक्सर पानी पड़ेगा। अब आप कहोगे तो बाथरूम में तो हमेशा पानी पड़ता है, जी हाँ, लेकिन तब भी हमें क्या है, जहाँ पर ज़्यादा पानी आता है उसको हम लोग वेट जोन में मानेंगे, और जो सूखा रहेगा मतलब जहाँ पर आपको जैसे आपका टॉयलेट है वो सूखा रहेगा, जहाँ पर वेस्ट वॉशिंग है वो सूखा रहेगा, लेकिन जहाँ पर आपका स्नान घर बनेगा जहाँ पर बाथिंग एरिया होगा वो हमेशा जो है वेट रहेगा, मतलब गीला रहेगा। तो हमको टॉयलेट को 2 भागों में बांटना है। कई बार दोस्तों करते क्या है लोग, टॉयलेट में जो है कमबोर्ड या इंडियन सीट जो भी है वो सबसे पीछे बैठा देते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब आपको जाना होगा वहाँ पे तो आप जब रास्ते से होके जाएंगे तो बीच में अगर वो नहाने वाली जगह है तो वो गीली होगी, तो आपके पैर जो है गीले हो जाएंगे। फिर जब आप टॉयलेट पे जाओगे तो होगा क्या, पूरे बाथरूम में गीलापन आ जाएगा, और उससे क्या होगा आपका जो ये बाथरूम है वो गंदा बना रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ड्राई जोन और वेट जोन हम लोग डिवाइड कर लें। इसके बाद ड्राई जोन में सीट आती है, वॉश बेसिन आएगा। इसके अलावा वेट जोन की बात करें तो वेट जोन में आपको नहाने का स्थान रखना है। कहने का मतलब साफ साफ है कि वेट जोन वो स्थान है जहाँ पर आप नहाने धोने का काम करेंगे, तो उसको आप बिल्कुल अलग रखें बाथरूम में, पार्टीशन डाल दें। आजकल तो लोग कांच का दरवाज़ा भी लगा देते हैं उसमें, ताकि वो बिल्कुल सेपरेट रहे। क्योंकि दोस्तों नहाना आपको दिन में एक बार है या 2 बार, लेकिन आपको वॉश बेसिन का प्रयोग या टॉयलेट का प्रयोग बार बार फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। तो इसके लिए आप बाथरूम बार बार जाते हैं आते हैं, इससे आपका क्या बाथरूम गंदा नहीं होगा। नंबर 4, टॉयलेट सीट का चुनाव। आपको जो भी टॉयलेट सीट लगवानी हो उसका चयन पहले कर लें, क्योंकि अगर आप वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट लगाएंगे तो आपको उसके फ्लश टैंक की फिटिंग भी कंस्ट्रक्शन के समय ही करवानी पड़ेगी।
क्योंकि आपको पता है जो वॉल माउंटेड वो आती है सीट, उसका जो फ्लश टैंक है वो दीवार में अंदर बनता है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन के समय ही उसको सेट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडियन या वेस्टर्न कोई भी सीट लगाएंगे तो भी आपको पहले से ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमको बाथरूम में कौन सी सीट इस्तेमाल करनी है। इसकी वजह है क्योंकि प्लम्बर उसी हिसाब से उसकी फिटिंग करेगा, उसको कहाँ पे पीवीसी पॉइंट देना है, ये सारी चीज़ें तभी तय हो पाएंगी जब आप फाइनली उसको बता देंगे कि हमारे बाथरूम में कौन सी सीट लगने वाली है। उससे क्या है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन हो पाएगा आपका बाथरूम। नंबर 5, दोस्तों कई बार लोग पूछते हैं कि सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बनवा सकते हैं, तो ध्यान रहे कि अगर आप जगह की कमी की वजह से ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आप सेप्टिक टैंक में कभी पूरे सेप्टिक टैंक के ऊपर टाइल्स ना बनवाइए, आधे पे बनवा सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि सेप्टिक टैंक को पूरा खुला रहने दीजिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक की साल में एक दो बार सफाई करानी पड़ती है, और ऐसे केस में अगर आप उस पर टॉयलेट का निर्माण करा लेंगे या कोई कंस्ट्रक्शन करा लेंगे तो फिर वो ढंग से सफाई नहीं हो पाएगी। तो हमेशा ही सेप्टिक टैंक को सेपरेट रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, बहुत मजबूरी है, तो आप आधे टैंक के ऊपर निर्माण करा सकते हैं शौचालय का। यहाँ एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि सेप्टिक टैंक में सीधे कनेक्शन करें कि ना करें, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कभी भी सेप्टिक टैंक में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना होता है। इसके लिए हमको उससे पहले एक चैम्बर बनाना पड़ेगा, उसमें पानी ला के तब उसको मिलाना होता है, क्योंकि इससे करने से क्या है, अगर आप बुली टैप नहीं बनाएंगे तो होगा क्या, वो जो आपका पानी चैम्बर में जा रहा है वो जब चला जाएगा तो वहाँ से जो गैस उठेगी वो भी आपके वापस बाथरूम में आ जाएगी। तो इस बदबू से बचने के लिए हमें कभी भी ध्यान रखना डायरेक्ट कनेक्शन कभी चैम्बर में नहीं करना है। यहाँ सिर्फ सेप्टिक टैंक नहीं, अगर घर का भी आप आपका जो मकान है वो प्राधिकरण इलाके में आता है और वहाँ पर जो है सीवर लाइन पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आपको घर पे एक दो चैम्बर बना के तभी उसको जोड़ना है, ताकि आपके घर पे बदबू की समस्या ना आए। दोस्तों नंबर 6 पे आता है वेंटिलेशन। किसी भी बाथरूम में वेंटिलेशन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बाथरूम में हमेशा एक जो है बदबू बनी रहेगी और फ्रेशनेस नहीं आएगी। वेंटिलेशन से क्या होगा, आपके बाथरूम की जितनी स्मेल है वो बाहर निकलती रहेगी और आपका जो बाथरूम है हमेशा फ्रेश बना रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर वेंटिलेशन दें और कम से कम एक एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं। दोस्तों नंबर 7 पे आता है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग किसी भी बाथरूम के लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों, इसको किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखना है आपको कम से कम चारों दीवारों पर 72 इंच तक, यानी कि 6 फिट तक आपको वाटरप्रूफिंग कराना ज़रूरी होता है। वाटरप्रूफिंग दोस्तों होता क्या है, एक्चुअली जब हम बाथरूम का कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं तो उसका प्लास्टर करवाने से पहले एक बार प्लास्टर होता है और उस प्लास्टर में सीमेंट और केमिकल का घोल मिलाकर अच्छे से उसको भरा जाता है, ताकि किसी भी सूरत से बाथरूम आपका लीकेज ना करे, ताकि भविष्य में सीलन की समस्या ना आए। उसके बाद उसको दोबारा जो है प्लास्टर किया जाता है, ताकि किसी भी तरह से बाथरूम में सीलन की समस्या ना रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर बाथरूम में कभी भी आपको टाइल्स लगवाना हो तो हमेशा याद रखिए टाइल्स का जो रहेगा सिस्टम वो पहले वॉल टाइल लगेंगे, उसके बाद फ्लोर टाइल लगेगी। दोस्तों नंबर 8 पर आता है फ्लोरिंग। बाथरूम की फ्लोरिंग जो है दोस्तों हमेशा डाउन रहती है पूरे मकान से, ज़्यादा नहीं कम से कम 2 इंच जो है इसको डाउन रखना है आपको, क्योंकि अगर आप 2 इंच डाउन नहीं रखेंगे तो आपके पूरे घर से अगर कहीं से भी कुछ पानी वगैरह आता है तो वो बाथरूम से निकल सकता है। तो और इसके अलावा अंदर भी जब कभी आप जो बाथरूम में बाथिंग एरिया जो बनाएंगे, जिसको हम लोग बोल रहे थे वेट जोन, तो वो वेट जोन हमेशा ड्राई जोन से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। उससे क्या है, जो भी पानी वगैरह गिरेगा तो वहाँ से निकलता रहे और उसका पानी वापस ड्राई जोन पे ना आए। तो बहुत ज़रूरी है फ्लोर को डाउन रखना, ज़्यादा नहीं रखना है आपको बाथिंग एरिया और जो वॉश बेसिन का इलाका है वहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइल्स का अंतर रखिए, मतलब 1 से 2 इंच आप उसको स्लोप कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नंबर 9 पॉइंट हमारा डोर एंड विंडो से जुड़ा है। बाथरूम के जो दरवाजे लगेंगे वो 2 फिट चौड़े होने चाहिए या 1.5 फिट, 1.5 फिट से कम चौड़ा दरवाज़ा नहीं लगाना है आपको। इसके अलावा दरवाजे के पीछे प्रॉपर जगह सुनिश्चित कर लें हो, ताकि दरवाज़ा जो है बाथरूम का पूरा खुल सके, ये ना हो कि वॉश बेसिन आपका टकराए उसमें पीछे या टॉयलेट की सीट टकराए। तो दरवाजे के पीछे भी पूरी प्रॉपर जगह हो ताकि दरवाज़ा खुल सके, इसका भी ध्यान रखें। बाथरूम में लोग वैसे तो प्लास्टिक के दरवाजे आजकल लगवा रहे हैं और कुछ लोग एल्युमिनियम के भी लगवाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से लकड़ी का दरवाज़ा ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप लकड़ी का दरवाज़ा बाथरूम में लगवाएंगे तो ध्यान रहे कि उसको पीवीसी से कवर करवाना पड़ेगा या फिर उसमें पीछे एल्युमिनियम जड़वा दें। इससे क्या है, बाथरूम से जो पानी इस्तेमाल होता है वो आपके लकड़ी के दरवाजे को ख़राब नहीं करेगा, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों नंबर 10 पॉइंट है कि जब पाइप बिछाए जा रहे हों बाथरूम में तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लम्बर है वो किसी भी बीम को काटे नहीं,
बीम के नीचे से पाइप निकालें। और ध्यान रहे, जब पाइप बिछाने का काम हो ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने एक मोबाइल से उसका पूरा जो वीडियो बना लें। इससे क्या है, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती तो आपको पता होगा कि कौन सा पाइप कहाँ से निकला है। तो बाथरूम की जब पाइपिंग की जाए तो उसका वीडियो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बाथरूम का जो पानी निकलेगा उसको चैम्बर में मिलाने से पहले आपको अपने घर पे एक छोटा चैम्बर देना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको चैम्बर से आने वाली जो स्मेल है वो आपके बाथरूम तक नहीं पहुंचती है, ये उसको रोकने का काम करता है। इसके साथ ही साथ बाई चांस बाथरूम में कभी कोई कचरा फंस जाए, शैम्पू के पाउच फंस जाए, तो उनको यहाँ पर आकर निकाला जा सकता है। इससे क्या होगा, आपकी लाइन चोक नहीं होगी, तो ये भी एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपने ये जो 10 बातें जानी है इनका ध्यान रखकर आप बाथरूम का निर्माण करवाएंगे और आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन से क्या है, हमारा नया जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।